बाबा 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 रुक जा रुक जा। रोड की बस कमी रह गई है, रोड तो है ही नहीं। तो यही आपके ये घर है? चलो ठीक है, यही वाला रोड ना। ये क्या बना हुआ है भाई यहाँ पे? चाय नाश्ता केंद्र है। पानी ही पानी है भाई चारों तरफ। कुछ लोग खाते पीते यहाँ पे घूम रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल व्लॉग सरोवर पे फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को माता रानी का दर्शन कराया है पिछले व्लॉग में। अगर पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो देखिएगा। यहाँ से मैं जा रहा हूँ सतरेंगा, कोरबा का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं सतरेंगा देखने वाला हूँ। आप लोगों को भी अपने नजरिए से दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है, एक तरह से मिनी गोवा के नाम से भी लोग जानते हैं। तो यहाँ से मैप पे मैं वही सब सर्च कर रहा था यहाँ पे बैठ कर। 16 किलोमीटर यहाँ से बतला रहा है मैप में, तो देख 16 किलोमीटर तो ज्यादा दूर है नहीं। अपन कवर करते हुए फिर अंबिकापुर निकल जाएंगे। चलो गाइस चला जाए। आज तो ट्रैकिंग ही ट्रैकिंग हो गया भाई। हालत मेरा बहुत ज्यादा खराब हो गया है, क्या बताऊं मैं अपने दुख दर्द को। 16 किलोमीटर और बचा है सतरेंगा, ये भी कवर हो जाए तो कोरबा का जितने भी फेमस जगह है वो कवर हो जाएंगे। बाकी फिर छुटका मुटका जो बचा हुआ है ना वो फिर किसी दिन आकर कवर करेंगे। कमेंट में बताइएगा नए नए जगह के बारे में। ज्यादा नॉलेज तो है नहीं मुझे, जितना हो सका उतना मैं कोशिश किया एक दिन में कवर करने का। ये वाली जो रूट है ये 6 किलोमीटर कंटिन्यू रखना है। कोरबा से भी आ सकते हैं मैप के थ्रू। ऐसे तो कोरबा से मैं आया था ये वाली रूट से, यहीं पे मैं नाश्ता किया था। और ये वाली जो रूट है ना सजेस्ट कर रहा है गूगल मैप, यहाँ से 9 किलोमीटर है करके सामने में पहाड़ नजर आ रहे हैं। यही वाली रूट से मैं गया था रानी झरना के लिए। मुझे नहीं पता था कितने पास में हूँ मैं। बाबा 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 रुक जा रुक जा। कहाँ बाबा? बंद कर गाड़ी ला, बंद कर बंद कर। पता नहीं वो दादा कैसे चला रहे हैं, उसको मैं बोल भी रहा हूँ रुक जा थोड़ा सा रुक जा, साइड भी दे रहा हूँ, डायरेक्ट मेरे गाड़ी में टिका रहे हैं, क्या ही बताएं। गाइस, तो ये जो रूट है ना वाटरफॉल के लिए लेके जाती है, ऑलरेडी इसका वीडियो बना रखा है। अब क्या बताऊँ भाई, इसी रोड में आना था तो यहीं से चले गया रहता मैं। चलो कोई बात, रेस्टोरेंट वगैरह भी है ये बना हुआ है यहाँ पे। खाना पीना कर सकते हैं आप यहाँ पे। अच्छा कि दादा मेरी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुँचा, नहीं तो दिल की धड़कन तेज हो गई थी, उसको इसीलिए पहले से रोक रहा था मैं। लेकिन वो दादा जो है ना सुन ही नहीं रहे हैं, देख भी रहे हैं, उसके बावजूद भी गाड़ी चलाए पड़े हैं। अजीब टाइप के थे भाई साहब, दादी थे उनको गिरा दी, अच्छा नहीं लगा। बट मेरी गलती इसमें कुछ भी नहीं है। इतने सारे गाय आ रहे हैं, होर 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 होर। देखो कुछ लोग घूम फिर के वापस जा रहे हैं और हम अभी सतरेंगा देखने जा रहे हैं। अब जाके थोड़ा सा ठीक ठाक रोड मिला है, थोड़ा गाड़ी भगाया जाए क्योंकि शाम होने वाला है भाई साहब। रोड की बस कमी रह गई है, रोड तो है ही नहीं। देखो यहाँ पे स्थानीय लोग सब नहाना धोना कर रहे हैं, बस चले पड़े हैं। 9 किलोमीटर था यार, 9 किलोमीटर भी ख़त्म नहीं हो रहा अपना। वाह क्या नज़ारे हैं, पहाड़ तो देखिए, पूरे बड़े बड़े चट्टाने चट्टाने नज़र आ रहे हैं। गाइस तो अभी मैं अच्छा यही लेके जाते अच्छा अंबिकापुर भी निकालते का यहाँ? निकालते अंबिकापुर अच्छा निकल। नहीं 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 मतलब डैम ला देखना है, डैम डैम कहीं है रास्ता उसले मिली तय रोड लो। अच्छा तो ते कहाँ जावे? ओ बस्ती तक जाऊँ। ले बैठ फिर, तो दादाजी को छोड़ देता हूँ। ये देखो भाई लोग कुछ लोग जा रहे हैं डैम। तो दादाजी को मैं लेते हुए आया था, पैदल पैदल जा रहे थे भाई, डस्ट उड़ाते हुए जा रहे हैं। 3 किलोमीटर बचा हुआ है। ये क्या कीचड़ है बाबा। सतरेंगा
अरे वाह, बस्ती में तो अच्छा खासा सीमेंट का रोड बना हुआ है। हाँ ठीक, अच्छा यही आपके घर है। चलो ठीक है, यही वाला रोड ना। हाँ ठीक, ओके नमस्कार। चलो भाई, उनको छोड़ भी दिया, हमें मंजिल भी बता दिए कि कहाँ कैसे जाना है। वैसे मैं मैप लगाया हुआ हूँ। यहाँ पे स्कूल है छात्र कन्या, इस पहाड़ के इर्द गिर्द ही है लग रहा है। वाह, अच्छा रोड मिला भाई साहब बड़े देर के बाद। वहाँ से राइट, हाँ यहाँ से राइट करके बतला रहा है गूगल माता। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सतरंगा बोट क्लब करके। चलो बाबा, 6 किलोमीटर है यहाँ से। हसदेव पर्वत का फोटो कहाँ पे? सतरंगा यही लेके जाएगी क्या? सतरंगा ये वाली? अच्छा गेस्ट हाउस है। तो बाइक का 5 किलोमीटर बचा हुआ है, टिकट कटाना होता है। यहाँ पे रिसोर्ट वगैरह भी है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते तो रुक भी सकते हैं। अरे वाह, ये क्या बना हुआ है भाई यहाँ पे? चाय नाश्ता केंद्र है। तो ये है गाइस, यहीं पे अपन गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं। गाइस तो आखिरकार हम सतरंगा पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आकर गेट है, यहाँ आपको टिकट कटाना होगा। टिकट एक व्यक्ति का 20 रुपए चार्जेस है। मेरे पीछे साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंटीन, यहाँ पे आप खाना पीना कर सकते हैं। अब जहाँ से भी हो यहाँ पे पूरा डिटेलिंग मेंशन किया हुआ है, ये देख लीजिए। रायपुर से 250 किलोमीटर है। तो चलिए, मैंने टिकट कटा रखा है, अंदर में ही बोटिंग वगैरह होता है और सामने में गार्डन बना हुआ है। तो यहाँ पे मास्क लगाना अनिवार्य है, तो हमने मास्क लगा लिया है। गार्डन देखिए, यहाँ पे कैंटीन भी है, यहाँ भी आप खाना पीना कर सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। बाकी यहाँ तो बच्चे लोग खेल रहे हैं। सुंदर सा बना हुआ है सतरंगा। चलते हैं आगे की ओर भाई, हमें तो जो डैम है वो देखने हैं। अगर मन किया तो अपन भी बोटिंग करेंगे। उतना समय नहीं है मेरे पास में, समय की कमी की वजह से शायद ही मैं कर पाऊँगा बोटिंग वगैरह। ये देखो बड़े लोग भी झूल रहे हैं, बढ़िया सा। काफ़ी साफ़ सुथरा है ये गार्डन, डस्टबिन भी दिए हुए हैं बढ़िया सा, ताकि गंदगी ना फैलाएं। दीवालों में भी इस तरह से चित्र बने हुए हैं जो देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। वन भैंसा जैसे, तो इधर से चलते हैं और देखते हैं डैम यहाँ का। आंटी लोग कैसे मज़े कर रहे हैं भाई झूले में, और सामने में सुंदर सा पहाड़ है। चलो आगे बढ़ते हैं, नज़ारे ही नज़ारे हैं भाई यहाँ के। बोटिंग भी है आगे साइड में, देखता हूँ बोटिंग के क्या चार्जेस हैं। मन कर गया ना तो अपन कोशिश करेंगे, बाकी अभी भी काम चल ही रहे हैं। कुछ लोग तो वहाँ भी गए हुए हैं, उधर भी नाव चल रहे हैं। पिकनिक मनाने के लिए जगह बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे पिकनिक मना सकते हैं। नज़ारे देखिए भाई, क्या ही नज़ारे हो रखे हैं। और ये रहा डैम, पानी ही पानी है भाई चारों तरफ। वाह, पानी की लहरें देखिए भाई, क्या ही नज़ारे हैं। इधर का भी नज़ारा देखिए, अभी नीचे की ओर चलते हैं, नज़ारा देखते हैं।
ये देखिए सतरंगा, पानी की लहरें काफ़ी सही लग रही है भाई साहब। दूर दूर तक पानी ही पानी है। कुछ लोग नाव में गए हुए हैं घूमने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे बोटिंग है। प्राइस पूछता हूँ कितना कितना चार्जेस है। ये कितने कितने का चार्जेस है यहाँ बोटिंग का? बोटिंग का वो वाला वो तो अच्छा वही है क्या? कितने लोग जा सकते हैं उसमें? 10 लोग। तो रेट तो आपको बता दिया भाई, काफ़ी शानदार सा एरिया है। मैं तो नहीं करने वाला बोटिंग, बोर्ड ही जा रहा है वो वाला। कितनी लहरें हैं यहाँ पे। गाइस तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वो वाला सेक्शन है वहाँ पे चलेंगे अपन। तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ये एरिया और यहाँ पे एक मंच जैसा बना हुआ है। ये देखिए बहुत सही लग रहा है, यहाँ पे फ़ोटो भी बहुत अच्छी आएंगे। कुछ गर्ल्स लोग हैं तो अपन देखते हैं यहाँ से एक बेहतरीन व्यू। अरे यहाँ से भी काफ़ी तगड़ा व्यू आ रहा है। ये देखिए क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कुछ लोग वहाँ भी बोटिंग कर रहे हैं। ये पूरा बना हुआ है वहाँ तक जाने के लिए। शानदार। ये गार्डन में फिर आने का कोई मतलब ही नहीं है। राइट साइड में भी ऑप्शन दिए हुए हैं। ये वाले गार्डन में 20 रुपये खर्च करने मुझे उतना वर्थ नहीं लगा। एक बार यहाँ से भी नज़ारा दिखला ही देता हूँ। तो कुछ लोग वहाँ भी गए हुए हैं, वहाँ तो मैं नहीं जाऊँगा। वो भी एक गार्डन जैसा बना हुआ है। तो हमने यहाँ पे घूम लिया है, अब उधर भी है और हमारे इस साइड में भी है। तो गाड़ी निकालते हैं, चलते हैं उस साइड, देखते हैं। रिसोर्ट बना हुआ है, चलो गाइस आगे दिखाता हूँ। बहुत लोग आते हैं भाई यहाँ पे घूमने के लिए। ये देखिए कुछ लोग खाते पीते यहाँ पे घूम रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। और यहाँ से व्यू देखते हैं, एक तरफा व्यू देखने को मिलेगा। बस में भर भर के लोग आए हैं और ये चल रहा भाई पिकनिक। गाड़ी अपन यहीं पार्क करते हैं। नज़ारे तो भाई क्या ही कहने नज़ारे के। देख रहे हैं कितने सारे लोग हैं और यहाँ भी बोटिंग होता है। अगर आप लोगों को पार्क नहीं देखना है, बस कोई मतलब भी नहीं था पार्क में। इस नाव में घूमने का अपना अलग ही मज़ा होता है। नज़ारे देखिए भाई साहब। चलो आप लोगों को पास चलकर दिखलाता हूँ। दादा लोग आग जलाने की तैयारी कर रहे हैं। जय ठाकुर देव नौका। लहरें तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त है। ये है पूरा नाव, देख रहे हो कहाँ कहाँ तक गई हुई है भाई नाव में लोग। पूछता हूँ इसका प्राइस। दादा लोग आग जला रहे हैं। अभी मैं वहाँ था, अब यहाँ। भैया कितना, एक आदमी का कितना है? 50। एक आदमी का 50 है, बढ़िया है ये, सस्ता सुंदर टिकाऊ। वो तो भाई 2000-3000, कौन 2000-3000 रुपये खर्च करेंगे भाई। तो आइए विजिट करिए सतरंगा में और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लोग पिकनिक मनाते हैं, देख रहे हैं सब यहाँ पे खाना पीना कर रहे हैं। पार्टी चल रही है भाई यहाँ पे, पार्टी। बड़े चाव से लोग खाना पीना कर रहे हैं। सब चीज़ें तो मैं आप लोगों को दिखलाते हुए गया हूँ। इस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं।